नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। गिद्दी मां काली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 9 दिवसीय श्री श्री 1008 शतचंडी महायज्ञ आरंभ। 551 कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। साध्वी मनु शर्मा अयोध्या होंगी मुख्य प्रवचनकर्ता। 29 जनवरी को होगा पूर्णाहुति और महाभंडारा। गिद्दी स्थानीय श्मशान घाट स्थित नवनिर्मित मंदिर में मां काली की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 9 दिवसीय श्री श्री 1008 शतचंडी महायज्ञ शनिवार को कलश यात्रा से शुरू हो गया। 9 दिवसीय महायज्ञ में शनिवार को 551 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजा और भक्ति गीतों के बीच कलश यात्रा निकाली गई। दोमुहानी से कलश में जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई। जनवरी 1927 को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जबकि 29 जनवरी को महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। उक्त कलश यात्रा के दौरान आचार्य कृष्ण देव कन्हैया महाराज वृंदावन, उपाचार्य रवि मिश्रा, अजीत पांडे, कुलदीप पांडे, शिवम पांडे, रोहित पांडे, संदीप पांडे, अर्जित पांडे, राजकुमार तिवारी सभी वाराणसी गिद्दी श्मशान घाट माँ काली मंदिर के पुजारी तुलेश्वर पांडे आदि लोग शामिल थे। यजमान के रूप में दीपू अखौरी व सुनीता अखौरी, दशरथ मेहता व उनकी पत्नी शामिल रहे। रिपोर्ट राहुल सिंह। मैं कृष्णदेव कुमार पांडे कन्हैया जी आचार्यत्व का कार्यभार लेकर गिद्दी यज्ञ को संपादित कराने को आमंत्रित हूँ। आज जल यात्रा की भव्य तैयारी है। समिति के माध्यम से सुंदर व्यवस्था की गई है। जल यात्रा के बाद हम सभी वापस आएंगे। वापस आने के बाद मंडप प्रवेश का कार्यक्रम होगा। कल से परिक्रमा आरंभ होगा, क्योंकि जब तक मंडप प्रवेश नहीं करते हैं तब तक परिक्रमा का कार्य आरंभ नहीं होता। 22 तारीख को हम सभी अरणी मंथा के माध्यम से यज्ञशाला में यज्ञाग्नि को प्रवेश कराएंगे, जो प्रकटीकरण होने के बाद नित्य हवन का कार्यक्रम होगा। सतचंडी पाठांतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती पाठ हमारे वाराणसी से पधारे समस्त विद्वानों के माध्यम से संपादित होगा, और 29 को यह यज्ञ पूर्णाहुति को जाएगा। उसके पहले शोभा यात्रा, भगवती की प्राण प्रतिष्ठा आदि के सारे कर्म संपन्न किए जाएंगे, और भली भांति इस क्षेत्र का विशद कल्याण हो, ऐसी कामना मेरे द्वारा की जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।